हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, उसमें हमने दो वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट किया। आज हम लोग एक और नया वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग को दो टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। हम ये टारगेट रखेंगे कि हर लेक्चर में दो दो टॉपिक जो होते हैं उनको डिटेल में करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर कौन सा है, रुक जाओ 21। उसमें हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ ईच अदर विथ द बेस, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। आज डेट है 7, ठीक है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब ये इसके रिएक्शन हमें देखने हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि भाई इसके मैं टेक्स्ट बुक के बाहर के भी एग्जाम्पल्स तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लाइक टेक्स्ट बुक के अंदर मेरे ख्याल से कोई एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिर्फ ओनली वन एग्जाम्पल इज गिवन। बट ऑब्वियस बात है कि मैं आपको डिटेल्ड में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर करवाऊंगा। चलिए पहले तो उसका एक शॉर्ट की यानी कि उसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं। याद रखना बच्चों, अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। देखो इनमें मैं कुछ आपको एक्सक्लूसिव चीजें भी पढ़ाऊंगा जो टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट वो हमें पढ़ना जरूरी है। तो आप इसको, हाँ, अब ये वाले पॉइंट को आप बॉक्स बना सकते हैं क्योंकि ये फिक्स है। अगर आप कोई भी एसिड लेते हो और अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो हमें 100% ये श्योर है कि भाई सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। अब समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं बच्चों। चलिए देखो, केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, एक मैजिकल सब्जेक्ट है। मैं तो केमिस्ट्री को मैजिक ही बोलता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए कलरलेस चीजों को मिला और कलरफुल चीज मिल गई, बराबर कहीं कलर ये चीज मतलब की कलरफुल चीज मिल गई, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। लाइक मैंने लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रिएक्ट करवाया है बेस यानी कि NaOH के साथ। ये टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है जो आप लोग देखते हो, ठीक है। अब क्या होगा? ऑब्वियस है, देखो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग भी सिखाना जरूरी है। लाइक ये टूट के H प्लस बनेगा एंड ये Cl माइनस बनेगा, ये Na प्लस बनेगा एंड OH माइनस बनेगा। अब ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर और ये इधर, यानी कि ये मिल जाएगा NaCl, ये मिल जाएगा वाटर। और NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सॉल्टी हुआ कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो मिल गया सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो इसकी रिएक्शन है और यही तो ये कहना चाहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक नंबर 2 मैंने लिया, चलो इसके नाम भी मैं लिखता हूं। ये है कॉमन सॉल्ट, क्या है ये? कॉमन सॉल्ट है ये, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, टोटल 3 एग्जांपल लेंगे, ठीक है। लाइक मैंने यहां पर लिया है H2SO4, मैंने यहां पर सॉल्ट, यहां पर एसिड बदल दिया है और मैं यहां पर लेता हूं बेस के तौर पर। लाइक हम लोग ले सकते हैं NaOH, कोई चिंता की बात नहीं है, पर हम लोग यहां पर 2NaOH लेते हैं, वी आर टेकिंग 2NaOH, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना रिएक्शन कहां से क्या होगा। ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, ये बनेगा 2H प्लस एंड SO4 टू माइनस, ये स्कैंस बने, ये भी टूटेगा, ये बनेगा 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस। अब अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे बच्चों? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये इधर अट्रैक्ट होगा और ये इधर अट्रैक्ट होगा, तो मिलेगा क्या? ये हमें कंबाइन होकर मिलता है Na2SO4। क्या मिलेगा? Na2SO4। और ये कंबाइन होकर मिलता है 2H2O, ठीक है। ये है सोडियम सल्फेट और ये भी एक प्रकार का सॉल्ट ही है। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। देखो वैसे तो मैं बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं, पर मैं यहां पर लिमिटेड एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। तो मेरे समझाने का मतलब यहां पर एक ही है कि आप अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो फिक्स है कि भाई सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। लाइक यहां पर मैंने लिया है
ये मैंने लिया NH4OH जो यहाँ पर एक बेस का काम कर रहा है, और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है लाइक मैं ले सकता हूं इधर HNO3, ये भी एक एसिड ही है। देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है कि नहीं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपके रेफरेंस क्लियर रहे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये है नाइट्रिक एसिड। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं सारी चीजें लिखता हूं, ये नाइट्रिक एसिड है। देखो बच्चों ये जो तीन एसिड मैंने लिखे हैं ना, HCl लिखा, H2SO4 लिखा, HNO3 लिखा, तो ये HCl फिर HNO3 एंड H2SO4 जो है ना, दे आर कॉल्ड टू बी एज अ मिनरल एसिड। उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड टू बी एज अ मिनरल एसिड। अब देखो उसके बारे में मैं एक और डिटेल बताऊंगा, दे आर कॉल्ड टू बी एज अ मिनरल एसिड्स, और मिनरल एसिड्स जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये सबसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, ये बात को भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है मैं जो नोट डाउन करवा रहा हूं। अब देखो यहां पर ये इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका भी मैं नाम लिख देता हूं, इट इज कॉल्ड टू बी एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। शायद ये कंपाउंड आपने पहली बार देखा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बाकी ये तीन जो है कंपाउंड्स हैं, लाइक HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये तो बेसिक कंपाउंड्स हैं। दिस आर बेसिक कंपाउंड जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने 9th में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। इवन इन कंपाउंड्स का यूज अपने डे टू डे लाइफ में भी होता है, हार्पिक दिखा है ना, तो हार्पिक में इन्हीं में से एसिड होते हैं वॉशरूम क्लीनिंग के लिए, बाथरूम क्लीनिंग के लिए जो लिक्विड्स आते हैं उनमें यही में से केमिकल्स रहते हैं। हाँ, और हमने देखी होगी वो 5 रुपए या 10 रुपए वाली ट्रांसपेरेंट बॉटल जिनमें येलोइश कलर का लिक्विड होता है, उनमें इनमें से ही एक मिनरल एसिड होता है बच्चों, इनमें से ही होता है। आप इनके कंटेंट्स पढ़ो, आप हार्पिक लो और हार्पिक का कंटेंट पढ़ो तो उसमें लिखा होगा इनमें से ही, और ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा या फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, यस यही होते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग होते हैं बच्चों, दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। और एक और बात, ये जो HCl है उसके बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 6 में, HCl अपने स्टमक में बनता है, बराबर के नहीं, यानी कि वो डाइजेशन करने के लिए वहां पर क्या होता है, वहां पर HCl बनता है, तो वहां पर भी अपने बॉडी में भी HCl बनता है, यानी कि भले ही ये स्ट्रांग है बट इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, इवन बाहर भी है और अपने बॉडी के अंदर भी है, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, ये है नाइट्रिक एसिड और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जरा ध्यान से देखना कि भाई रिएक्शन क्या होगा। अब देखो बच्चों यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, ये टूटकर H प्लस देगा और ये NO3 माइनस देगा, ठीक है, और ये टूटकर NH4 प्लस देगा, NOH माइनस देगा। अब क्या होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को, ये जो अपोजिट चार्ज है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये सेम आयन एक दूसरे को, जहां से ये टूटे हैं बराबर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, यहां पर आयन का एक्सचेंज होगा बच्चों, ठीक है, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये कंबाइन होकर NH4NO3 बनेगा जिसको हम अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, एंड वाटर बने, ये भी सॉल्ट प्लस वाटर बना, क्या बना है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना है। अब देखो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि नॉर्मली एसिड एंड बेस का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, और हम लोग ये चैप्टर में पढ़े हैं कि भाई केमिकल्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बट सब लोग क्या समझते हैं, देखो एसिड बेस जो होता है ना वो न्यूट्रल ही होता है, सॉरी सॉल्ट जो रहता है वो न्यूट्रल ही होता है, ऐसा सब लोग समझते हैं कि भाई सॉल्ट न्यूट्रल ही होता है, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। सॉल्ट कैन बी, मैं लिखता हूं यहां पर जरा ध्यान से देखना, सॉल्ट जो रहते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट हो सकता है जिसको हम लोग शॉर्ट में AS लिख सकते हैं, ठीक है, AS एसिडिक सॉल्ट के लिए, बेसिक सॉल्ट हो सकता है जिसको हम शॉर्ट में BS लिखते हैं, एंड न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है, ऐसे तीन प्रकार के सॉल्ट रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग NS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NS नंबर 1, नंबर 2 टाइप एंड नंबर 3, ठीक है कि नहीं, ये तीन प्रकार के सॉल्ट रहते हैं। अब ये कैसे बनते हैं तो याद रखना, अगर अपना एसिड स्ट्रांग है और उसके साथ वीक बेस लगा रहे हैं, हाँ ये भी होता है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सारी चीजें भी आएगी आपको पढ़ने में आगे, यस बच्चों,
इन सारी बातों पे ध्यान दें। तो अगर मान लो कि भाई अपना जो एसिड है वो अगर स्ट्रांग हुआ और बेस वीक हुआ तो सॉल्ट क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट। और अगर बेस स्ट्रांग है एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है कि नहीं, क्लैरिटी आ गई कि नहीं। और अगर दोनों अगर मान लो कि भाई वीक हुए हैं तो फिर हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ये पक्के में बात है बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी मेन ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक ऑफ इट। तो और भी एक दो एग्जांपल लेकर इसको खत्म कर दे टॉपिक को। लाइक मैंने एग्जांपल नंबर 4 लेता हूं मैं, लेट मी टेक एग्जांपल नंबर 4 के, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया HCl H2SO4 HNO3, मैंने लिया यहां पर NH3 CH3COOH, यानी कि इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ। अब जरा ध्यान से देखना यहां पर बेसिकली होगा क्या। अब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कंपाउंड कौन सा है, यू शुड नो कि भाई विच कंपाउंड इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज दिस। सी बेसिकली दिस इज एन वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड। सी रिमेंबर दिस इज अ स्ट्रांग एसिड, दिस इज अ स्ट्रांग एसिड, दिस इज अ स्ट्रांग एसिड, ओके। हियर दिस आर स्ट्रांग बेसिस, इट विल फॉर्म अ न्यूट्रल सॉल्ट, ओके। स्ट्रांग एसिड एंड बेस फॉर्म्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, एंड दिस हियर इज अ वीक एसिड, अ वीक बेस। सो हियर द सॉल्ट विल बी द एसिडिक सॉल्ट, ओके, बिकॉज द एसिड इज स्ट्रांग एंड द बेस इज वीक, तो बनने वाला सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है क्या नहीं, क्लियर है। अब यहां पर क्या है, तो CH3COOH को मैंने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई CH3COOH है क्या। तो उसको हम लोग बोलते हैं इथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। ये एक एसिड ही है, हालांकि है वीक पर है तो एसिड ही, ये है वीक एसिड बट है एसिड। ये विनेगर जो होता है ना, विनेगर वो ये होता है, विनेगर इसमें से बनता है, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हो एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी इसके बारे में और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है कि नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिख देता हूं अगर ना पता हो तो। चलो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा मिक्सअप हो गया है, खिचड़ी बन गई है, पर अब डिटेल में इतनी सारी लिख रहा हूं तो क्या करें। चलो आगे देखते हैं, अब इनके भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसका बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बनेगा CH3COOH NH+ बनेगा, ये बनेगा Na+ OH-। अब देखो आपके लिए एक नई बात है कि ये जो CH3COOH है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन बोलते हैं उसको, वी कॉल इट एज एसीटेट आयन, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं। क्या होगा, ये सीधा अटैक करेगा इधर, ये बनेगा CH3COOH, एनी अटैक करेगा इधर, ये बनेगा H2O, क्या बनेगा, ये H2O, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, क्या है, सोडियम एसीटेट, और ये वाटर, इसका नाम है सोडियम एसीटेट और वो क्या है, दैट इज वाटर, समझ गया कि नहीं बच्चों, वो क्या है तो वाटर है, ठीक है बच्चों, करेक्ट, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, दैट इज एसिड एंड बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके क्या बनता है। एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं, लेट मी डू द रिवीजन, एक बार मैं रिवीजन करवाता हूं, ठीक है। यस बच्चों यहां पर ध्यान दो, हाँ अभी यहां पर मैंने बताया कि भाई इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सोडियम एसिडेट, एक बार रिवीजन करते हैं। लाइक यहां पर हमने HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, क्या बना है, NaCl, बराबर है ना, वाटर। सेम में यहां पर देखो एक बात याद रखना कि अगर आपको जानना है कि भी बॉन्ड ब्रेक कहां पर होगा एंड बॉन्ड फॉर्मेशन कहां से होगा, तो आपको ये आना बहुत ही जरूरी है कि भाई आयंस कौन से होते हैं, व्हाट आर द लिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड व्हाट आर द लिस्ट ऑफ नेगेटिव आयंस। तो वो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिखवाया है, अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी है कि भाई बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है एंड बॉन्ड कहां से फॉर्म होता है, तो आप ये बात तो जरूर कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, ये बात आपके लिए नई है, दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। ये हमारे पास इथेनोइक एसिड है, उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। तो देखो ये इतना पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, सॉरी एसीटेट आयन, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड में से बनने वाले आयन को बोलते हैं एसीटेट आयन, क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। चलिए अब हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, पर टिल देन आई मैं ये चाहता हूं कि आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रीड करो, एक बार शांति से समझो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूं,
तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और समझ लो, फिर हम एक छोटू सा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे आज ही के लेक्चर के अंदर, ठीक है? एक छोटू सा टॉपिक है वो आज ही के लेक्चर के अंदर मुझे कंप्लीट करवाना है, ठीक है? यस बच्चों, रीड कर लिया? कर लिया कि नहीं? तो फिर आगे के टॉपिक पे जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें कंप्लीट करना है अभी। इट्स अ स्मॉल टॉपिक हियर दैट वी विल कंप्लीट इन दिस लेक्चर ओनली। ओके, आई होप कि आपको इसमें तो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा, आपको पूरी तरह से ये क्लैरिटी आ गई होगी। अब एक छोटू सा टॉपिक है जो मैं इसी साइड के अंदर कंप्लीट करवा देता हूं, दैट इज हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड। ठीक है, एक छोटू सा टॉपिक है कि भाई मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, तो वो देता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब देखो मैंने यहां पर इसका भी शॉर्टकट लिख दिया। देखो आपको अगर ये शॉर्टकीज आ गए, जो मैंने ये वाला लिखा है, ये वाला लिखा है, अगर आपको वो शॉर्टकीज बोलते इसको, अगर आपको यही आ गया तो आपका केमिस्ट्री का इस चैप्टर का आधा काम खत्म। रिएक्शन में कोई ज्यादा दम नहीं है, ठीक है? इसी रिएक्शन से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये बनता क्या है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली ये टॉपिक में क्वेश्चन ये पूछा था कि भाई व्हाट हैपेंस और हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड व्हाट डज इट गिव। ऑब्वियस इट गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो, लाइक आपने लिया है CuO, कोई भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और उसको रिएक्ट करवाया HCl के साथ। जरा ध्यान से देखना तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये CuO यानी कि कॉपर टू ऑक्साइड है, इसको कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है? अब देखो बेसिकली ये यहां से टूटेगा और ये Cu2 प्लस बनेगा एंड ये O2 माइनस बनेगा। प्लस क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होगा और क्या बनेगा, ये 2H प्लस बनेगा एंड ये 2Cl माइनस बनेगा। अब ऑब्वियस है कि मैंने आपको आगे के रिएक्शन में ही सिखाया कि भाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इनमें जो ऑपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन याद रखना जो खुद एक ही मॉलिक्यूल में से टूटे हुए ऑपोजिट चार्ज है वो रिकम्बाइन नहीं होंगे, दे विल नॉट रिकम्बाइन। तो क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये CuCl2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। इसको कॉपर क्लोराइड यानी कि ये एक सॉल्ट ही है, ये एक प्रकार का सॉल्ट है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। लाइक मैंने यहां पर लिया है MgCl2 और उसको मैंने रिएक्ट करवाया H2SO4 के साथ, ठीक है? अब देखो बच्चों टेक्स्ट बुक के अंदर इतने सारे रिएक्शंस दिए ही नहीं होते, हालांकि ये वाले टॉपिक में तो टेक्स्ट बुक में एक रिएक्शन भी नहीं दिया, पर फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हर एक चीजों को अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाओ, जब भी स्कूल रीओपन होगा तब मैं ये सारे चैप्टर मैंने जितने भी पढ़ाए होंगे उनके नोट्स मैं चेक करूंगा, ठीक है? और ये रिएक्शंस को जब आप प्रिपेयर करोगे तब आप इसको पांच पांच बार लिखो बच्चों। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है नोट्स बनाओ और तुरंत ही ये सारे रिएक्शन को फाइव फाइव टाइम्स लिख दो। तो आपके लिए मैं बोल रहा हूं, प्रिपेयर आपका होगा, मेरा तो प्रिपेयर हो गया है, बराबर है नहीं? तो प्रिपेयर आपको करना है ना, रिजल्ट आपको लाना है, तो पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि मम्मी थोड़ा आधा टॉपिक पढ़ेगी, पापा आधा टॉपिक पढ़ेंगे और भाई बहन थोड़ा और टॉपिक पढ़ लेंगे और काम अपना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहां पर तो आपको अपना रिजल्ट लाना है, तो आपको खुद को अपना ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको खुद का ही अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा, ये क्या होगा Mg2+ और ये 2Cl- बनेगा, ये 2H+ बनेगा एंड ये 2SO4- बनेगा। अब ऑब्वियस है क्या होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये इसको खींच लेगा, ये इसको खींच लेगा, ये बन जाएगा MgSO4+H2O बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? अच्छा यहां पर एक गड़बड़ हो गई है, यहां पर 2HCl बन गया है, कोई बात नहीं ये भी बनता है। हाँ अच्छा, मुझसे गलती ये हुई है बच्चों, सॉरी, यहां पर MgO आना चाहिए
सॉरी बच्चों मैं थोड़ी रिएक्शन को बदल रहा हूं, पे अटेंशन हियर। सॉरी बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, यहां पर ये MgO आएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमें ऑक्साइड तो लेना है, मैंने गलती से दूसरा कंपाउंड ले लिया था, और यहां पर मैं रिएक्ट करवा रहा हूं 2HCl के साथ। या फिर हम चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं, H2SO4 को भी ले सकते हैं, लाइक मैंने H2SO4 लिया, तो क्या मिलेगा? ऑब्वियस है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग हमें आना चाहिए। दिस विल ब्रेक फ्रॉम हियर, दिस विल ब्रेक फ्रॉम हियर, दिस विल फॉर्म Mg2+ एंड हियर विल फॉर्म O2-, हियर 2H+ एंड SO4 2-। नाउ अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये इधर और ये मिल गया MgSO4 प्लस H2O, Mg हेक्टर नहीं, ठीक है कि नहीं, क्लियर है? अब अगर मान लो कि भाई इधर आपने क्या किया है, तो आपने 2HCl ले लिया, तो क्या मिलेगा? ये टूटेगा, ये क्या बनेगा? MgO ही मिलेगा, नहीं MgCl2 मिलेगा, एंड बाय प्रोडक्ट मिल भी H2O। ये प्रोडक्ट के साथ जो मिलता है फ्री में, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट्स है, ये कंपाउंड जो मैंने लिखे है ना, ये प्रोडक्ट्स है, और उसके साथ ये जो वाटर मिल रहा है ना आपको साथ में, उसको हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है। अब अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से लिखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बराबर है, और बढ़िया ढंग से एकदम ऑनेस्टी से लिखो 5-5 बार सारे रिएक्शन। ओके, मिलते हैं हम अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर में। Till then, goodbye and take care, students. Students, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। I am giving you 20 seconds time for the screenshot. चलिए ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, बाय स्टूडेंट्स।